और भाई, क्या हाल चाल? क्या सब सभी बढ़िया? आज हम बात करने वाले हैं A124 की। हम काफ़ी टाइम पहले A124 की वीडियोस बनाया करते थे, हम उसकी गेम प्ले डाला करते थे। गरीना ने क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद उसने जो है उसकी एबिलिटी चेंज कर दी। ठीक है, उससे पहले जो है उसकी कुछ HP देने वाली एबिलिटी हुआ करती थी, बट अब कुछ और एबिलिटी कर दी है। तो बीच में जो है लोगों ने उसका यूज़ नहीं किया एंड अभी थोड़ा थोड़ा यूज़ करना चालू कर रहे। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या अब जो है A124 पहले के मुकाबले किंग बन चुकी है। एंड आप सभी को पता है मैं क्लैश कोड खेलता हूँ, तो वहाँ पर 200 300 500 स्टार वाले बंदे आते हैं एंड मैंने उनकी गेम प्ले देखता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे पता चलता है कि वो लोग आजकल A124 का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं एंड वहाँ पर मुझे देखने को पता चलता है कि A124 कितना अभी जो है पावरफुल हो गई है। तो मैंने कहा क्यों ना ये बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करी जाए, जिसकी वजह से जो आप अगर CS रैंक वगैरह खेलते हो तो वहाँ पर आप जो है अपनी रैंक जल्दी से पुश कर सको। एंड सारी बात बताऊंगा कि A124 कहाँ काम आएंगी, कैसी गेम प्ले है आपकी तब काम आएंगी, सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं A124 की एबिलिटी से। तो आप सभी को पता है कि A124 की कुछ एबिलिटी ऐसी है कि एक जो है ग्रेनेड जैसा एनिमी के ऊपर फेंकेगा, जिससे जो ग्रेनेड को शायद 50 का डैमेज लगेगा और उसके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे एक्टिव पैसिव जो कैसे भी कैरेक्टर क्यों ना हो सारे कैरेक्टर बंद हो जाएंगे, यानी कि थोड़ी देर के लिए वो अपने कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह एबिलिटी आप सभी को पता ही होंगी एंड नहीं पता तो आप इसका जो है यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी देख सकते हो। तो यह हो गई इसकी कैपेबिलिटी। तो अब क्या होता है कि मैं अगर CS खेलता हूँ ना, तो वहाँ पर 200-300 वाले स्टार वाले बंदे आते हैं एंड वो क्या करते हैं कि हम अगर एक साथ जाते हैं तो वो सीधा ग्रेनेड मतलब ये A124 का यूज़ करते हैं। क्या करते कि हम जितने तीनों प्लेयर मानो कि एक साथ है ना, तो हम तीनों प्लेयर की जितने भी कैरेक्टर सारे कैरेक्टर बंद हो जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते वो हम सबको मार देते हैं। एंड क्या होता है कि 50 का शायद डैमेज भी लगता है, मुझे 50 का डैमेज का उतना ख्याल नहीं है बट हाँ शायद लगभग लगता है। ठीक है, तो यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने कहा यह शेयर करना चाहिए। अभी बात करें कि आपकी कैसे गेम प्ले होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहली बात कि A124 जो है आजकल सबसे भयंकर कैरेक्टर बन चुका है अगर आपको ग्रेनेड यूज़ करना आता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसके जो कैरेक्टर की एबिलिटी है वो ग्रेनेड जैसी, अगर आप बहुत अच्छा ग्रेनेड कर लेते हो ना तभी आप इसका जो है बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे, वरना आप जो है इसका कुछ खास यूज नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको अगर ग्रेनेड डालना नहीं आता तो आप A124 का गोला मारोगे और वहाँ पर एनिमी होगा ही नहीं। ठीक है, तो इधर उधर गोला चल जाएगा और ऐसी चीज़ है। तो अगर आपको ग्रेनेड का बहुत अच्छा यूज़ करना आता है तो आपको इस कैरेक्टर का यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि यह कैरेक्टर आपके लिए भयंकर साबित हो सकता है और आप इस कैरेक्टर का इस्तेमाल करके अपने पूरे स्कोर को बड़े आराम से जिता सकते हो। ठीक है, आप सभी को पता है अभी क्या है सोनिया आ गई है, तो अगर आप मेहनत करके उसको वन टैप भी मार देते हो फिर भी वो जिंदा बच जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका कोई दोस्त ऐसा होगा जो मतलब सामने वाले एनिमी की सारी स्किल को ब्लॉक कर दे एंड फिर आप अगर वन टैप मारते हो तो आपका वो वन टैप फेल नहीं जाएगा, उस सामने वाला बंदा सोनिया का यूज नहीं कर पाएगा और वैसे ही मर जाएगा। तो यह जो बड़े प्लेयर्स आजकल इसका बहुत यूज कर दे एंड यह मैंने जो अपनी गेम प्ले में भी देखा है। तो अगर आप अपने स्कोर के साथ खेलते हो फिर चाहे वो CS रैंक हो या बड़ी रैंक हो, ठीक है, बट अगर आप अपने स्कोर के साथ खेलते हो पूरी प्लानिंग के साथ खेलते हो तब आपको इस कैरेक्टर का यूज करना चाहिए और उसमें भी आपको ग्रेनेड चलाना बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप ग्रेनेड और इन दोनों कैरेक्टर का सही से इस्तेमाल करते हो तो आपकी गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल जाने वाली है एंड मेरे सामने जितने भी प्लेयर आते थे वो ग्रेनेड क्या ही एक नंबर ग्रेनेड करता है, मतलब एक ग्रेनेड में तीन तीन बंदों को ख़त्म कर दे या दो बंदों को ख़त्म कर दे। और कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तगड़े आ जाते हैं तो हम सब इकट्ठा होकर गेम को खेलते हैं, हम सब इकट्ठा होकर रश वगैरह करते, तो वहाँ पर वो एक ग्रेनेड पूरे स्कोर को भी ख़त्म कर देता है। तो सामने वाले बंदे बहुत अच्छा ग्रेनेड करते थे तो और इसी वजह से जो वो A124 का भी बहुत अच्छा यूज़ कर पा रहे थे। तो अगर आपको ग्रेनेड यूज़ करना आता है ध्यान आप जो है इस कैरेक्टर के साथ जा सकते हो, दूसरे बहुत सारे कैरेक्टर है बट मैं यह कहूँगा कि अगर आप बहुत अच्छा ग्रेनेड कर लेते हो तो वो सारे कैरेक्टर फेल है A124 के सामने, क्योंकि यह जो है किसी भी कैरेक्टर को रोकने की क्षमता रखता है। ठीक है, मानो कि उसके पास अलोक हो या टास्टो हो या कोई भी कैरेक्टर हो, सोनिया हो, अगर आपने A124 का इसके ऊपर यूज़ किया तो उनकी सारे जो स्किल है सारी की सारी बेकार है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा तगड़ा है आजकल जो भी लेजेंड प्लेयर होते हैं उसका यूज़ करते हैं, इसके लिए आपको ग्रेनेड चलाना बहुत खास आना चाहिए। आप भले वन टैप ना मार सकते हो ना ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो बट अगर आप ग्रेनेड बहुत तगड़ा करते हो तो आप इस कैरेक्टर से बहुत अच्छा खेल लोगे। और मैं ग्रेनेड करता हूँ मतलब मिड लेवल का ग्रेनेड करता हूँ, मुझे ना तो बहुत अच्छा आता है, ठीक है, तो वैसे मेरे लिए यह कैरेक्टर उतना खास नहीं है, बट अगर मैं इसके साथ प्रैक्टिस करूँ, इसके साथ मैं 5-10 दिन 15 दिन खेलूँ तो मैं इसका सही से यूज़ करने लगूँगा। एंड आप अगर ग्रेनेड यूजर नहीं है इतना तो आप ग्रेनेड यूजर सीख भी सकते हो, मैंने एक वीडियो भी डाला था ग्रेनेड टिप्स के ऊपर, तो आप जो है उस
वीडियो को देखें और ग्रैंड यूजर को कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए होता है तो शायद मैंने वो भी वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो बस यही आप सभी के साथ शेयर करना था कि A124 आफ्टर अपडेट बहुत ज़्यादा भयंकर हो चुकी है और अगर आपको अपनी रैंक पुश करनी है जल्दी तो आप इस कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।